ये मेरा पूरा वीडियो देखती है, मुझे तो पता ही नहीं था, अभी मिली है तो बता रही है क्योंकि ये बुआ की लड़की है, तो अभी ये जा रही थी, मैं नौकरी पर मान ले रही हूँ, फिर नहीं उसी जाऊँगी। मेरी दीदी प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय मौसीज चैनल, प्लीज इंक्रीज द सब्सक्राइबर्स प्लीज, शी इज अ वेरी गुड पर्सन, अ वेरी नाइस पर्सन, अ वेरी लविंग पर्सन एंड वेरी नाइस। ये तो बस लाख प्यार है, इसका लाख प्यार है। और ये लक्ष्मी है, तुम भी जा रही होगी, जा रही हो, बाय कर दो। और यहाँ पे देखिए मंदिर का भंडारे का जो पूजा था, 3 से 4 दिन तक जो पूजा चला था, वो पूजा अब संपन्न हो चुकी है क्योंकि आज भंडारा है। और जितने भी यहाँ पंडित थे जो हमारे मंदिर में पूजा करवाने आए थे, बनारस से भी आए हुए थे पंडित, तो इन सब जो भी पूजा का सामान था उनको ये खाटला जो है, खाट भी दान किया जा रहा है, और जो भी सामान था हमारे यहाँ भंडारा देखिए ऑलमोस्ट लोग खा चुके हैं और हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए नेहा और वो महक चल रहे हैं खाना खाने, फोन में बिजी है। क्या चल रहा है आप लोग का? हम कर रहे हैं मैं अपने बराबर करती हूँ मोबाइल कैमरा, इसका सीट कट जाता है, देखो ये सब हमसे छोटी हो गई है। और रात का नज़ारा देखिए मंदिर का, किस तरह लाइटिंग से जगमग जगमग कर रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और रोड पे भी सारा डेकोरेशन किया गया था, हर जगह लाइटिंग, बहुत मतलब अच्छा लग रहा था देखने में भी, और जगमग जगमग पूरा रोड और वहाँ का एरिया भी लग रहा था। और डांस कर रहा है पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मेरी छोटी वाली दीदी चली गई थी और मेरी बड़ी दीदी नहीं आई थी, मेरी बड़ी ननद नहीं आई थी, और ये जीजा जी आए हुए हैं बड़े, मेरे ननद के हस्बैंड नंदोई, तो दीदी आ नहीं सकी थी, लेट हो गया था, ये भी 8:30 बजे आए थे तो लेट के कारण ही नहीं आ पाई दीदी, वरना दीदी ज़रूर आती। और जीजा जी को भी किसी काम से बाहर जाना था तो वो लेट आए हुए थे, इस वजह से हमारे घर भी लेट आए, तो यही कारण है, वरना दीदी भी आती मज़ा आता। और मेरे भैया जीजा जी को प्रसाद दे रहे हैं, जीजा जी गए हैं मंदिर में उनको हनुमान जी को प्रणाम करने, और यहाँ पे प्रसाद खा रहे हैं, प्रसाद दिया जा रहा है क्योंकि जीजा जी बहुत लेट आए थे, कुछ लोग तो खाने भी लगे, शाम से ही हमारे यहाँ खाना भंडारा शुरू हो गया था, और तो ये पहले इनको प्रसाद दिया जाएगा, पर प्रसाद दिया गया है उसके बाद फिर अभी खाना खाएँगे। और यहाँ पे सब मेरी दीदी रौनक, रोशन, नेहा, तन्नु, महक, कोमल सब लोग खाना खा रहे हैं, सब मेरा कब से वेट कर रही थी, पर जीजा जी आए हुए थे इस वजह से मैं नहीं आई इन लोगों के साथ खाने, वेट करते करते ये लोग बेचारे थक गए फिर खाने लगे। अब जब तक जीजा जी नहीं खाते तो मैं कैसे खा सकती थी, जब वो खाना खाकर गए उसके बाद मैं सबसे लास्ट में खा। ये सब हमारे गांव के भैया लोग हैं, सब डांस कर रहे हैं, डीजे बज गया तो शंकर जी का भजन बजेगा तो डांस तो करना बनता ही है, और आज लास्ट डे है तो लास्ट डे में तो और भी ज़्यादा धमाल मचता है। और अभी आप लोग वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि ये सबसे एंड में तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा वीडियो, क्योंकि ये मुकुल है ये भी डांस कर रहा है, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली एक साथ डांस करती है, तो वीडियो को ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा तभी आपको मज़ा आएगा। और मेरा बेटा देखिए बड़ों के बीच में जाके डांस कर रहा है, और मेरा बेटा जब से डीजे बजा तब से लेके शुरू से लेके एंड तक वो डांस करता रहा, थका नहीं, अपने तो थक भी जाते हैं बड़े लोग पर बच्चे नहीं थकते। और देखिए यहाँ पे मेरे भैया को भी सब डांस नचवा रहे हैं, मेरे स्काई ब्लू जो कुर्ता पहने हैं वो मेरे भाई हैं, भैया हैं, और वाइट कुर्ते में मेरे भाभी के भाई हैं, तो सब लोग मिलके सब लोग झूम उठे थे।
तो देखिए मेरे हस्बैंड और जीजा जी साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं और साथ में डांस का भी मजा ले रहे हैं। और मैं अपने बड़े जीजा जी को आ गई हूँ यहाँ से ले जाने, ज़बरदस्ती उनको हाथ पकड़ के लेके आई कि चलो आप भी जीजा जी डांस करो। और छोटे जीजा जी दोनों जीजा जी को ले गई, और मेरे हस्बैंड तो खा रहे थे, मैंने कहा चलो, पर वो नहीं सुने। और मैं अपने ननद के हस्बैंड को भी बोली कि जीजा जी आप भी चलिए, बहुत उनको फोर्स किया, बट बोले कि किट्टू के साथ ही मैं डांस करूँगा, अभी नहीं। तो एक साथ सब डांस करते हुए कितना मज़ा आ रहा। अब यहाँ पे मेरे भी जीजा जी थे और मेरे हस्बैंड के भी जीजा जी, इसलिए मैं अब बोलूँ तो कैसे बोलूँ कि मेरे जीजा हैं, मेरे हस्बैंड के जीजा जी हैं, तो दोनों को मैं जीजा ही बोलती हूँ। जीजा जी खाना खा लिए थे तो अब वो जा रहे थे, तो हस्बैंड जा रहे हैं उनको छोड़ने, और मैंने थोड़ा बहुत प्रसाद दे दिया था दीदी के लिए, वो आ नहीं पाई थी, तो भंडारा का प्रसाद है तो ज़रूर खाना चाहिए। और यहाँ पे मेरे भैया और भतीजा और एक आदमी और हैं, वो खाना खा रहे हैं, और सबसे पीछे तो मैं खाती हूँ। यहाँ पर मैं भी बैठ गई थी खाने, वो खा रहा था उसी के डिश में बैठ गई थी एक साथ खाने, बट फिर हस्बैंड छोड़ के आते हैं जीजा जी को आते हैं छोड़ के, फिर हम दोनों फिर से साथ में खाते हैं। वो जीजा जी के लिए भी थोड़ा सा खा लिए थे साथ में, फिर मेरे साथ खाए थे क्योंकि आदत है हम दोनों को एक साथ खाने की। तो ये देखिए डिश लग चुकी है, अभी हस्बैंड भी आ रहे हैं थोड़ी देर में, तो बस अभी हम दोनों साथ में खाएंगे। और मैंने जो भी यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे करना नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ पर कुछ दूसरा ही सॉन्ग चल रहा था, कोई भक्ति गाना नहीं था, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और ये दीपक है अभी जो गया, तो सब लोग खा चुके हैं, सिर्फ मैं ही बची हूँ। नेहा देख रही है, महक देख रही है, सब हमें देख रही है कि अकेले हम खा रहे हैं, बट अकेले नहीं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी अभी साथ में आएंगे, देखिएगा आप लोग, ये देखिए। और खाना सर्व करने में लगे हैं रौनक, मेरी दीदी का लड़का जिसकी शादी थी, तो ये हम लोगों को खाना सर्व कर रहा, हम लोग अकेले खा रहे हैं। ऑलमोस्ट क्या सारे लोग खा चुके थे सिवाय मेरे और मेरे हस्बैंड के, बाकी सब लोग खा चुके, सब लोग हमें देख रहे हैं। और फिर से बस मौसी, ए मौसी बस। आज के दिन बहुत मज़ा आया, और भी मज़ा तो बाकी है डांस करने का, जो मज़ा है सबसे मज़ा तो वो है, यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, खा
सबने खाना खा लिया है। यहाँ देखिए कोमल, नेहा, तन्नु, महक, भाभी सब लोग हाय कर रहे हैं। और ये रही मेरी बड़ी दीदी और विशाल मेरे भैया का लड़का, ये दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, बस डांस का वेट कर रहे हैं कि कब डांस चालू हो। और रौनक भी पीछे रह गया था बेचारा, मुझे लगा मैं सबसे पीछे खा रही हूँ लेकिन ये सबसे पीछे रह गया। इसे लगा था हम तीनों लोग साथ में खाएंगे बट पता नहीं ये कहाँ गायब हो गया था। कैमरा जब भी लाती हूँ इसके सामने शर्मा जाता है, और ख़ासकर इसको खाना खाते समय ही मैं कैमरा लाती हूँ इसलिए और भी ज़्यादा इसे शर्म आती है। सबका खाना पीना हो चुका था, अब लगे हम लोग डांस में। अब अभी से जो डांस करेंगे सीधे 12 बजे तक डांस करते हैं, और आप लोग ना देख देख के थक जाओगे पर हम लोग करते करते थकते नहीं हैं। अब ये क्या थोड़ा हिंदी सॉन्ग पे था, भक्ति गाना नहीं था, इस वजह से मैंने गाने को म्यूट कर दिया है, वरना गाने के साथ वीडियो होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। पर फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आऊँगी। और बने रहिएगा वीडियो में, प्लीज़ फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। अभी हमारा फैमिली डांस देखिएगा, और भी मज़ा आएगा। पूरी फैमिली के साथ वाला जो डांस आप लोग देखोगे तो इतना मज़ा आएगा कि सारी फैमिली साथ में मिलकर डांस कर रहे हैं, कोई नहीं बचा है। घर का हर एक मेंबर, छोटे से लेके बड़े तक, बड़े से लेके छोटे तक, यहाँ तक कि भैया, भाभी, दीदी, दीदी, जीजा, सब लोग, ये देखिए यहाँ पे सब लोग हैं मेरे। तो मंदिर का भंडारा अब संपन्न होता है। आप लोगों को हमारे यहाँ मंदिर का स्थापना, मंदिर का भंडारा और रथ यात्रा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जितना हो सके आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ये लास्ट वीडियो था भंडारे का, मंदिर का जो भी प्रोग्राम हुआ था सबका ये लास्ट वीडियो है। एंड भला, अंत भला तो सब भला। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरे पापा का सपना पूरा हो गया, अब मंदिर बन चुका है। तो ऐसे ही सब पूजा पाठ होता रहे, बजरंग बली की कृपा सब पे बना रहे। जय हनुमान जी की, बजरंग बली की जय।